अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ फैसल हुसैन। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्फी की रेसिपी। बर्फी की बेसिक रेसिपी मैं आप लोगों को आज बता दूंगा, आगे जाके आप उसके अंदर जो फ्लेवर ऐड करेंगे उस फ्लेवर की बर्फी बन दी जाएगी। तो मैं दोस्तों आपके साथ बहुत ईजी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत डिलीशियस रेसिपी। आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे बताएंगे आप लोग कि आपको बर्फी की रेसिपी कैसे लगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक नॉन स्टिक पैन लेना है। नॉन स्टिक पैन लेते ही हम उसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर के मेल्ट होने का हम वेट करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मैदे को ऐड करना शुरू कर देंगे। मैदे को बिल्कुल स्लो स्लो आपने ऐड करना है, एकदम से सारा मैदा आपने नहीं डाल देना। जैसे कि आप सूप बनाने के लिए या सॉस बनाने के लिए रू बनाते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है। बहुत आसान रेसिपी है ये, आप लोग लास्ट भी अपने घरों पर ट्राई कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा मैदा उसके बटर के अंदर ऐड किया है, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगा और फिर बाकी जो मेरे पास बचा हुआ मैदा है, क्वांटिटीज़ आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी हुई मिल जाएंगी। बाकी मैदा मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैं उसे थोड़ी सी मेहनत इसमें आपकी लगेगी, अच्छी तरह आपने बटर और मैदे को मिक्स कर लेना है, तो वो इस तरह दाने दाने बन जाएंगे। दाने दाने बनने के बाद आपने मैदे को अच्छी तरह थोड़ा पकाते रहना है ताकि इसका कच्चापन, मैदे का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। जब तक हम इसको एक साइड के ऊपर रख लेते हैं, वो चूल्हा भी ऑन है, तो मैदा हमारा थोड़ा थोड़ा हम बुनते रहेंगे और साथ साथ हम इसका शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने का तरीका आप सबको पता है कि सेम प्रोसेस ही होता है, जिसके अंदर चीनी होती है, चीनी के साथ पानी ऐड कर दिया जाता है और थोड़ी सी इलायची हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैदा हमारा बुना जा रहा है और हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हमारे शुगर सिरप के तैयार होने का, ताकि इसकी चीनी सारी मेल्ट हो जाए और शुगर सिरप हमारा तैयार हो जाए। तो शुगर सिरप में आपको दिख रहा होगा कि चीनी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब हम इसके अंदर अपना मैदे का जो मिक्सचर था जिसमें हमारा बटर और मैदा था उसे ऐड कर देंगे। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना दोस्तों, आप एकदम से सारा ऐड नहीं कर दें। थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बाद जिस तरह आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर दाने नज़र आ रहे हैं, दानों को आपने हल्का हल्का जिस तरह स्पैचुला से मैं प्रेस करता जा रहा हूँ इस तरह आपने प्रेस करते जाना है ताकि आपका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और ये जो मैदे के दाने हैं ख़त्म हो जाएं। आप इसे पकाते रहेंगे, पकाने के बाद आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर जो सूखा दूध आता है वो ऐड कर देना है। उसे ऐड करने के बाद आप फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो लम्स इसके अंदर हैं, जो दाने बन गए हैं, उसे आप स्पैचुला से दबाते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। दोस्तों आपने खूब अच्छी तरह बुनाई करनी है, क्योंकि जितना आप इस मिक्सचर को बुनेंगे उतना आपका मिक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपने बुनाई सही तरह नहीं की तो आपका मिक्सचर सही नहीं बनेगा। और अभी आपको दिख रहा होगा कि पैन ने मिक्सचर को छोड़ना शुरू कर दिया है। पैन जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है आपको, मिक्सचर आहिस्ते आहिस्ते जुड़ना शुरू हो गया। तो मैं इसके अंदर पिस्ता ऐड कर देता हूँ। पिस्ता ऑप्शनल है, आप अगर इस पिस्ते को ऐड नहीं करना चाहते, किसी और फ्लेवर में बनाना चाहते हैं, तो सिंपल है कि आप पिस्ते की जगह उस फ्लेवर की चीज़ को चॉप करके, जैसे कि अगर आलमंड आप डालना चाह रहे हैं, बादाम आप डालना चाह रहे हैं या कोई और फ्लेवर आप डालना चाह रहे हैं, उसे आप ऐड कर दें और फिर दोबारा से इसकी बुनाई शुरू करते हैं जब तक आपको इसका टेक्सचर समझ में नहीं आता। मुझे अच्छा खासा थिक टेक्सचर चाहिए ताकि बर्फ़ी अपनी जगह बैठ जाए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा नॉन स्टिक पैन ने बिल्कुल साइडों से भी छोड़ना शुरू कर दिया और सेंटर से छोड़ना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद भी हम बुनाई करेंगे क्योंकि अभी तक वो टेक्सचर नहीं आया जो मुझे चाहिए। आपने खूब बुनाई करनी है जब तक आपका टेक्सचर, बर्फ़ी का जो टेक्सचर है वो ना आ जाए। खूब थिक होना चाहिए, एक पेस्ट टाइप का बनना चाहिए। दोस्तों अब टेक्सचर हमारा बन चुका है बर्फ़ी का, तो हम क्या करेंगे, आपके पास घर के अंदर और कोई मोल्ड हो या और कोई प्लास्टिक का बर्तन हो, आपने उसे बटर के साथ ग्रीस करना है और मिक्सर को आपने ऐड कर देना है। मेरे पास यहाँ एलुमिनियम का ये था टेक अवे बॉक्स, तो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर टॉप के ऊपर पिस्ता चॉप करके ऐड कर दिया है और फिर मैं इसे तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। मिक्सर अभी गर्म है, ये अपनी जगह सेट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाता हूँ। मिक्सर को डीमोल्ड कर दिया है। डीमोल्ड करने के बाद मैंने इसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स की तरह काट दिया है। काटने के बाद मैं इसे प्लेट के ऊपर लगा रहा हूँ और टॉपिंग के ऊपर पिस्ता मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। दोस्तों इस तरह हमारी खूबसूरत सी पिस्ताशू की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, आपने खूब इंजॉय किया होगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।